हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर सेकंड जो है सम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ ये कह सकते हैं सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हम यहाँ पर जो अकाउंट से संबंधित या बिजनेस से संबंधित जो टर्म्स होती हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो चलते हैं हम वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस किसे कहते हैं? जो मॉनेटरी एक्टिविटीज जो होती है बिजनेस के अंदर, क्योंकि वैसे तो बिजनेस में बहुत तरह की एक्टिविटीज होती है जिनके लेन देन से रिलेटेड भी होती है और दूसरी वैसे भी ट्रांजेक्शंस हैं, वो एंट्रीज है, वो एक्टिविटीज है, वो होती रहती है। जैसे लेबर की ज्वाइनिंग कराना, प्रोडक्शंस करना, ये भी एक्टिविटीज हैं, लेकिन इनका क्या है कि अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर शामिल नहीं करते। वो ट्रांजेक्शन जिनकी मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं तो उन्हें ही हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस के अंदर कहते हैं। और यहाँ पे उनके एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं तो जैसे हमारे पास परचेज करना, गुड्स को परचेज करना, या क्या है सोल्ड करना, सेल करना माल का, तो ये क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी या मॉनेटरी एक्टिविटीज होंगी, इन्हें हम बिजनेस के अंदर शामिल करते हैं। साथ में जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी का भुगतान करना या बैंक के अंदर भुगतान करना या बैंक से भुगतान लेना, इसके साथ साथ चाहे रिपेयर ऑफ मशीनरी आदि जो ट्रांजेक्शन है जिनका वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के रूप में देखते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं हम यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनसे क्या है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल जो सिचुएशंस होती है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि वैसे ही हम माल खरीदेंगे तो यानी कि बिजनेस हमारे पास माल खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो एक तरफ स्टॉक आ जाएगा और दूसरी तरफ कैश चला जाएगा। अगर कैश नहीं चला जाएगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन ट्रांजेक्शन से जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से है जैसे ही होती है उनके जो बिजनेस की जो स्थिति है, पोजिशन है, उसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। उसके बाद में हम यहाँ नंबर टू के अंदर इवेंट्स लेते हैं। इवेंट्स जो है वो रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे 60,000 प्रॉफिट कंप्यूट करना है, तो 60,000 जो प्रॉफिट कंप्यूट हुआ वो इवेंट हुआ। वो इसे निकालने के लिए हमने पहले सेल चाहे देखी, सेल 3,80,000 रुपए, इसको सेल को करने के लिए हमें उसकी लागत, उस माल को बनाया, तैयार किया, उसकी कॉस्ट हमें 3,20,000 रुपए पड़ी, तभी हमें प्रॉफिट निकल के 60,000 आया। तो जो ये 60,000 जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट्स को हम क्या कहेंगे, इवेंट्स के रूप में देखेंगे। ये जो प्रॉफिट होगा ये इवेंट्स कहलाएगा। इसी तरह अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर हमें कंप्यूट कर रहे हैं, जैसे कि अगर 4,00,000 हमारे पास इन्वेंट्री खरीदी और इसका 1/4 जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब जो माल जो स्टॉक में बच जाता है, वो स्टॉक अगर हमें निकालना है तो यानी कि 1,00,000 रुपये हमारा निकल के आया, तो ये हमारे पास क्या होगी, इवेंट्स होगी। इसी तरह अगर कैश बैलेंस जो है वो हमें कंप्यूट करना है, कैश बैलेंस कंप्यूट करना है, तो कैश बैलेंस कंप्यूट करने का एक तरीका है, हमने कैपिटल कितनी लगाई पहले उसको देखेंगे, कितनी हमने पूंजी लगाई है, उसमें जो हमने कैश में जो सेल किया है माल जो सेल किया उससे कैश आया होगा, तो यहाँ पर 8,80,000 रुपये हमारे पास टोटल होगा। अब हमें इस माल को बनाने के लिए परचेज किया होगा तो यानी कि, और दूसरा हमने रेंट का अगर दिया है, जो भुगतान हमने किया है उसको उसमें से लेस करेंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास अगर तो देखिए तो 4,60,000 रुपये जो हमारे पास कैश है वो कंप्यूट हो गया है, कैश की हमने गणना की है। और इस प्रकार ये जो है 4,60,000 रुपये की क्या कहलाएगा, इवेंट्स कहलाएंगे। इसके बाद में जैसे कि कैपिटल जो है 5,60,000 रुपये, अगर इसे हमें कंप्यूट करना है तो कैपिटल कंप्यूट किस तरह से होगी, यानी कि जो हमें इनिशियली कैपिटल जो हमने लगाई वो कितने लगाई, 5,00,000 रुपये, इसके ऊपर हमें जो बिजनेस के किया, जो पूरी साल जो बिजनेस किया उसमें हमें 60,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो इट मीन्स हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है
वो हमारे पास कितनी होगी, 60,000 पे इसमें जोड़ेंगे तो 5,60,000, तो 5,60,000 जो है कैपिटल कंप्यूट और कैपिटल कहलाएगा और ये इसे हम इवेंट्स के रूप में देखेंगे। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे अकाउंट्स, जो अकाउंट्स किसे कहते हैं, ये हमारी टर्म्स हैं जो आगे हमें बिजनेस के अंदर आगे हमें क्वेश्चंस निकालने में, आगे हमें अकाउंटेंसी को समझने में हमारी सपोर्ट करेगी, तो आपको इनको बड़ी ध्यान से समझना है। इसमें अकाउंट्स किसे कहते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन्स होती है राइट, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब उनकी नेचर की एक जगह उनको जहाँ पर रखते हैं उनको, उसी को हम क्या है कि अकाउंट के रूप में जानते हैं, यानी कि जो ट्रांजेक्शन की नेचर की अकॉर्डिंग हमें उन्हें एक स्थान पे जहाँ रखा जाता है वो क्या है कि अकाउंट कहलाता है, जहाँ से उसमें ऐड किया जाता है और उसमें से रिकॉर्ड सब्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है वो अकाउंट्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल राम इंडिविजुअल नेचर है, तो राम को क्या है कि यहाँ पर राम जो है पर्सनल जो है व्यक्तिगत है, तो राम अकाउंट हो गया। मशीनरी रियल के अंदर जो मशीन आई है, राम अलग है मशीन अलग है, इनके दो अलग अलग हो गए। राम से संबंधित जो भी चीज़ होगी वो राम के खाते में राम की जगह ले जाएंगे, मशीन से संबंधित जो चीज़ होगी मशीन नेचर की जो होगी मशीन ने ये अकाउंट के अंदर खोल दिया। अब जैसे कि अगर हमने लेबर का भुगतान किया है लेबर, तो उसके लिए सैलरी अकाउंट बना दिया, तो उससे जैसे ही जो भुगतान से संबंधित सभी जो घटनाएँ ट्रांजेक्शन है वो सैलरी में आएंगी, मशीनरी से संबंधित सभी घटनाएँ मशीनरी में आएंगी, राम से संबंधित सभी घटनाएँ राम के अंदर आ जाएंगी। इसी प्रकार अगर हम माल पूरी साल खरीदते हैं बिजनेस में, जो माल रीप उसके अंदर प्रोडक्ट करके आगे बेचा जाता है उसे हम परचेज के अंदर ले जाते हैं, तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट बनाते हैं। जो माल तैयार करके हम बेचते हैं उसे हम एक जगह अलग दिखाते हैं, उसे सेल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो इस हिसाब से नेचर वाइज जो है वो आइटम के नेचर वाइज हम उनको सेपरेट अलग से जहाँ से उनका रिकॉर्ड रखा जाता है उसे अकाउंट्स के रूप में देखते हैं। आगे देखते हैं नंबर फोर्थ में कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रोप्राइटर है या जो ऑनर है जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर उसे हम कैपिटल के रूप में देखते हैं। कैपिटल के अंदर तीन रूप हो सकते हैं, एक तो कैश में कैपिटल हो सकती है, दूसरा गुड्स के रूप में और तीसरा एसेट्स के रूप में। कैश जो है वो लेते में काम आता है, गुड्स जो है जिसे माल तैयार करके आगे सेल की जाती है, और एसेट्स जो होती है बिजनेस के अंदर क्या है कि माल बनाने में बिजनेस को आगे बढ़ाने में लीड करने में सपोर्ट करते हैं। तो इन सभी को हम क्या है कि जो इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल जो होती है यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार हो जाती है, कैपिटल जो होती है एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो हमें बिजनेस में जो भुगतान करना है मार्केट का जो देना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं, और एसेट्स जो बिजनेस के पास मौजूद हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसे हम एसेट्स करते हैं, और जो उसने जो बिजनेस को जो पूंजी लगाई बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का कोई भी रूप हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, गुड्स के रूप में भी हो सकता है, और एसेट के रूप में जैसे प्लांट एंड मशीनरी आदि, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है एसेट्स होती है। रॉ मटेरियल क्या है, गुड्स कहलाता है, जो कि माल को खरीद के फिर हमें उसको तैयार करके फिर बेचते हैं, तभी हमें सेल होती है, तभी हमें प्रॉफिट होता है। उसके बाद में आ जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग किसे कहते हैं, अगर कैजुअली बेस के ऊपर अगर मालिक को जो ऑनर्स होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कैश के रूप में या वैल्यू ऑफ गुड्स के रूप में जो विड्रॉ करता है और उससे निकालता है उसको हम क्या है कि ड्राइंग के रूप में देखते हैं, और ये हमेशा कैपिटल के अंदर जो होती है इसमें से लेस हो जाती है। उसके बाद में आ जाते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसे कहते हैं, जो कि हमें जो आउटसाइडर से बिजनेस ने जो आउटसाइडर को जो भुगतान करना होता है उसे लायबिलिटीज के रूप में देखते हैं। लायबिलिटी जो होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन के रूप में टोटल एसेट्स में से कैपिटल को अगर घटा देते हैं तो बैलेंस जो बच जाती है वो लायबिलिटी बच जाती है, यानी कि वो भुगतान हम बिजनेस को मार्केट का भुगतान करना है। तो आज हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो उसकी डिस्कस की,
रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि आपको बच्चों ये काफ़ी कंसेप्ट इससे बेनिफिट मिलेगा, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। अकाउंटेंसी को समझने के लिए बहुत ही ईजी है, आपको मन लगा के इसको इसके क्या है कि वीडियो को आपने स्टडी करना है बार बार। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।